नमस्कार, शाम 4 बजे आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरने का असर बाजार पर आज साफ दिखा। बाजार आज ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया और सेंसेक्स पहली बार 387 अंक चढ़कर 33,600 पर बंद हुआ। निफ्टी भी पहली बार 10,400 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। आज बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सुनिए अरुण ठुकराल, एमडी और सीईओ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, उनका क्या कुछ कहना है। एफआईआई को भी अच्छा लग रहा है और समझ में आ गया है कि जिस तरह से रिफॉर्म यहां हो रहे हैं और जैसे आज हमारा रैंकिंग इंप्रूव हुआ, जैसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन हुआ, तो आई थिंक कुछ एफआईआई तो ऑलरेडी पैसा डालना शुरू कर दिए हैं और ये अब आगे जाके अगर दोनों बैरल से गन छूटेगी, अगर इंडियन इन्वेस्टर भी पैसा डालेंगे और एफआईआई भी डालेंगे, तो आप देखिए मार्केट के लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन ने कहा कि सालाना आधार पर ब्याज बाजार से 10-15% के रिटर्न मिल सकते हैं और नतीजों में सुधार से बाजार में तेजी रहेगी। मैं समझता हूँ कि अगले दो क्वार्टर में हम लोग अच्छा लेवल दिखा चाहिए, क्योंकि मानसून भी ठीक था तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जनरली लो है और कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है, तो इस सब लगता है कि अगले दो क्वार्टर में थोड़ी ड्राइवल हमें दिखेगी। मुझे लगता है कि एक साल अगर अब अर्निंग ड्राइवल भी हुआ तो 10-15% का रिटर्न तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी सब चीज़ें अगर ठीक हो, जैसे जीएसटी से रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अगर थोड़ी सी चक्कर जैसे कि इस साल बैंक रिकैपिटलाइजेशन या उसकी वजह से अगर 10-20 बेसिस पॉइंट बाहर भी निकल जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले साल से ठीक हो जाएगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। रजत, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये जो अच्छी खबर आई है, कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्तरों पर जब आज बाजार बंद हुआ है तो एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, रिकॉर्ड स्तरों पर है और सेंटीमेंट ही सुधर गया। देखिए, आज इतना स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं था बाकी की मार्केट्स पे, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी ही चाल चल गया। बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, अब तक के सबसे बेहतरीन लेवल, रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग। सेंसेक्स निफ्टी की निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांगली आज गेन करता हुआ नजर आया, तो तेजी थी। और वर्ल्ड बैंक में जो रेटिंग में सुधार किया है भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, तो उसका एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिल गया। बैंक आज लाइमलाइट पे थे, शुरुआती सत्र में पीएसयू बैंक तेज थे, उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों में काफी स्ट्रांगली गेंस मिलते हुए नजर आए। भारतीय एयरटेल फोकस में था, 9% इंट्राडे के रिटर्न्स हैं, वो इसलिए क्योंकि बाजार को नतीजे बहुत बेहतर लगे, उसका एक ट्रिगर इस स्टॉक के लिए साबित हुआ। कैबिनेट के जो जो फैसले आ रहे थे उसका असर स्टॉक्स पे पड़ रहा था। ड्रेजिंग कॉप एक स्टॉक जो 20% सर्किट पे लग गया। इसके अलावा एसटीसी इंडिया में अच्छी तेजी देखने को मिली, साथ साथ लेदर, चीनी, रियल्टी, टेक्सटाइल, ब्रॉड बेस्ड बाइंग आज देखने को मिली थी। और रिटर्न्स देखेंगे तो कई स्टॉक में डबल डिजिट रिटर्न्स दिखाई देंगे आज। निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक में भारतीय एयरटेल साबित हुआ, 8.5% के रिटर्न मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक और वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी मूव काफी पॉजिटिव देखने को मिला। इसके अलावा जो गिरा उसमें था आइशन मोटर्स। आज ऑटो नंबर्स जब आ रहे थे तो उसका कुछ काउंटर स्पेसिफिक असर तो देखने को मिल रहा था। भारतीय इंफ्राटेल, डॉक्टर रेड्डीज और यूपीएल जैसे स्टॉक्स पे भी आज मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो लाइमलाइट में थे सेक्टर्स अब उनको देखिए आप। सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां, ड्रेजिंग कॉप 20%, एमएमटीसी, एससीआई, एसटीसी, ये जो खरीदारी है ये दोपहर के सत्र में ज़्यादा देखने को मिल रही थी, बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे ये स्टॉक। चीनी शेयर सुबह से ही तेज थे, रेणुका, धरानी, शक्ति शुगर, केसीपी में अच्छे रिटर्न मिले। बैंक स्टॉक्स आज छोड़ नहीं सकते इस सेगमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही थी वो इस तबके में ही हो रही थी। आईडीएफसी बैंक 10% ऊपर था। बाकी सरकारी बैंक्स देखिए आप, विजया बैंक, सिंडिकेट, अलाहाबाद में रिटर्न्स बहुत शानदार देखने को मिले। और आज निजी क्षेत्र के जो बैंक्स जैसे कि आईसीआईसी, वहां पर भी गेन देखने को मिला। टेक्सटाइल जिसमें सुमित इंडस्ट्रीज, रेमंड, नितिन स्पिनर्स जैसे स्टॉक में कमाई शानदार हुई आज। और कुछ और पेरिफेरल्स देखिए, लेदर स्टॉक्स, रिलैक्सो, इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न था। हाईटेक गियर, डाबर और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 4-5% की तेजी, तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला आज के सत्र। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अक्टूबर महीने में मारुति सुजुकी की बिक्री उम्मीद से थोड़ी कम रही और कंपनी की कुल बिक्री 1,33,000 यूनिट से बढ़कर यहां 1,46,000 यूनिट हो गई। कंपनी की घरेलू बिक्री करीब 10% बढ़कर 1,36,000 यूनिट रही। घरेलू पैसेंजर व्हीकल कारों की बिक्री में भी 6.5% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। अक्टूबर में एस्कॉर्ट्स की बिक्री करीब 14% बढ़कर 10,205 यूनिट रही। कंपनी के एक्सपोर्ट में 84% का उछाल देखने को मिला।
और देखिए वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में लंबी छलांग के बाद सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 6 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट और ड्रेजिंग कॉर्प में सरकार की पूरी 73.46% हिस्सा बिक्री को मंजूरी दे दी। साथ ही पवन हंस कमरजार पोर्ट में भी हिस्सा बिक्री के फैसले पर मुहर लगी है। कमरजार पोर्ट में सरकार की 66.7% हिस्सेदारी है और आज की बैठक में शुगर मिलों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इथेनॉल की कीमत 5% बढ़ाने का फैसला लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ और खबर आपके पास है? देखिए, जो आज कैबिनेट के एजेंडे में था उसमें 6 सिक पीएसयू के स्टेक सेल की बात थी और इसके अलावा एथेनॉल प्राइसिंग की बात थी, लेकिन जो हमें जानकारी मिली हमारे सोर्सेज के मुताबिक उसमें जो एथेनॉल की कीमतों में है उसमें बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद जो एक बीएसएनएल के लैंड मोनेटाइजेशन का जो मामला था उसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जो हमें जानकारी मिली है कि इसको डेफर कर दिया गया है। लेकिन जहां तक 6 पीएसयू सेल का मामला है, स्टेक सेल का मामला है, उसमें से जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि 4 पीएसयू सेल स्टेक सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें से 4 में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, कर्नाटका हेल्थ केयर लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान लाइफ केयर और एक और पीएसयू है। 4 जो हमें जानकारी मिल रही है कि 4 को यहाँ पर हरी झंडी दी गई है स्टेक सेल का, क्योंकि 4 को ही आज आगे फॉरवर्ड किया गया है कैबिनेट में, लेकिन बाकी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। तो ये कैबिनेट से अभी तक यही खबरें निकलकर सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, किचन पर महंगाई की भारी मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 93 रुपए बढ़ा दी है। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 742 रुपए हो गई है। साथ ही साथ सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 4 रुपए 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 14 किलो का सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर अब 495 रुपए 69 पैसे का मिलेगा और बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सरकार की अपील पर बड़ी संख्या में मिडिल क्लास ने एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन अब उन पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में गैस की डिमांड बढ़ने से पूरी दुनिया में दाम बढ़ते हैं। यानी कि अब आने वाले दिनों में आपकी किचन का बजट और बिगड़ सकता है। प्रकाश प्रदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा अपडेट की जुड़ गया है। प्रकाश, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे यहां पर कि अब गर्मियां खत्म हुई है, ठंड आने वाली है और हम नवंबर में पहुंच गए हैं और पीक ठंड होती है दिसंबर जनवरी के करीब में, ऐसे में और दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि डिमांड यहां पर बढ़ेगी गैस की। जी बिल्कुल, जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ेगी, खासकर अगर आप गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, क्योंकि डिमांड बढ़ने के बाद इंपोर्ट ज़्यादा करना होगा और जाहिर तौर पे मार्केट से लिंक्ड है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे इसका बोझ पड़ेगा। अहम चीज़ ये है कि पिछले 3 महीने में आप देखिए 218 रुपये के आसपास जो 14 kg का सिलेंडर है उस नॉन सब्सिडी वाले उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर कंज्यूमर के जो किचन का बजट है उस पर पड़ा है। अहम चीज़ ये है कि जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के बाद कीमतों पे इसका असर होगा, कंपनियां उसको कंज्यूमर पे पास ऑन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी आम कंज्यूमर पर होने वाला है। इसके अलावा एक अहम चीज़ है जो जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा कि अगर नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर और सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच का जो गैप है अगर वो बढ़ता है तो जाहिर तौर पर वैसे लोग जो स्वैच्छिक आधार पे गिव इट अप कैंपेन के तहत एलपीजी सब्सिडी को सरेंडर कर रहे थे उनकी संख्या में भी कमी आएगी। एक बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत वैसे लोग जिनको ये एलपीजी सिलेंडर गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है, अगर कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि उनको मार्केट रेट से ख़रीदना होता है, उसके बाद सब्सिडी का जो पैसा है उनके अकाउंट में जाता है, तो जो रिफ़िल का जो नंबर्स हैं, जो रिफ़िल की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी कमी आती है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो गैप है नॉन सब्सिडी वाले और सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच का जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए और सरकार इस पर किस तरीके से इंटरवीन करे। अब जानकार ये भी कह रहे
रहे हैं कि रिफाइनरी के लेवल पे ही जो क्योंकि देश में हम एलपीजी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसकी रिफाइनिंग कम होती है, तो जानकार ये कह रहे हैं कि वो उसकी एलपीजी की रिफाइनिंग बढ़ानी चाहिए और जो क्रॉस सब्सिडी है उसका फ़ायदा कंज्यूमर को देना चाहिए। सरकार का टारगेट ये भी है कि मार्च 2018 तक जो है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर के बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करना है। अब सवाल उठता है कि अगर 250 रुपये का जो गैप है, अगर वो गैप बढ़ता है तो फिर ये सब जो बीच का गैप है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, किसी बड़े इवेंट की निगरानी में आसमान में उड़ते हुए ड्रोन आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसकी नियम शर्तें क्या होंगी? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू अब से थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपको बता दें कि फिलहाल भारत में UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए कोई तय नियम कानून नहीं है। अप्रैल 2016 में DGCA ने आम लोगों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर गाइडलाइन सुझाई थी और उस गाइडलाइन के मुताबिक 200 फीट से ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA की इजाजत लेनी होगी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी, साथ ही हर ड्रोन को लेकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। ड्रोन को लेकर गाइडलाइन तय कौन करे, इसे लेकर हाल ही में उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच खींचतान की भी खबरें आई थी।